और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबरों के लिए आप देखिए रूस वर्सेस यूक्रेन टॉप 9। वॉर जोन से विध्वंसक वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेनी आर्मी रूसी सैन्य ठिकानों पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सैल्वो से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक कर रही है। बैक टू बैक रॉकेट अटैक से रूस के कई ठिकाने तबाह हो गए। रशियन आर्मी ने यूक्रेनी ठिकानों पर बारूदी बारिश की है। रूसी फौज ने होवित्जर तोपों से यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ गोले दागे। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। रशिया यूक्रेन के कई इलाकों में बहुत बड़े एयर अटैक की तैयारी में है। रूस यूक्रेन में हैवी अटैक ड्रोन्स डिप्लॉय करेगा। FAB-100 बम से लैस ड्रोन के साथ रूस घातक मोर्टार माइन से लैस ड्रोन से भी अटैक की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन ने तेजी से आगे बढ़ने की स्ट्रेटेजी के तहत अब रूसी ठिकानों पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। बैटल ग्राउंड से एक वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेनी MiG-29 काफी नीचे उड़ान भरता दिखा। यूक्रेन MiG-29 बैटल ग्राउंड में गेम चेंजर साबित हो रहा है। रूस से आर पार की जंग लड़ रहे यूक्रेन को पोलैंड और स्लोवाकिया ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। दोनों देशों ने बेकार हो चुके फाइटर जेट्स यूक्रेन को दिए। ज्यादातर विमान सुरक्षित उड़ान भरने की स्थिति में ही नहीं है। यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले डोनेस्क पर बहुत बड़ा हमला किया। डोनेस्क के कई शहरों पर एक साथ टैंक और रॉकेट से हुए हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी बिल्डिंग को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस के बेलगोरोद में जबरदस्त धमाके की खबर है। बेलगोरोद में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला हुआ है। आशंका है कि यूक्रेनी आर्मी ने बेलगोरोद में अटैक किया है। जेलेंस्की ने पुतिन को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। जेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन का अंजाम सद्दाम हुसैन की तरह होगा। रूस दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा और हम सहयोगियों की मदद से जंग जीत जाएंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच स्टॉकहोम थिंक टैंक की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। एक साल में युद्ध में $2.24 ट्रिलियन फूंक दिए गए। यूक्रेन और रूस के सैन्य खर्चों में बेतहाशा इजाफे के साथ अमेरिका का मिलिट्री खर्च भी 2.5% बढ़ गया।